हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिक्स चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में, एंड इसका भारत में क्या प्रदर्शन रहा और किन किन खिलाड़ियों ने कौन कौन से पदक हासिल किए। इन सभी के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपके एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं। जैसा कि दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रथम राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था। तो राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत जो है 1930 हेमिल्टन कनाडा से हुआ था, ठीक है, और उसमें भारत ने भाग नहीं लिया था प्रथम राष्ट्रमंडल खेल में। इन्होंने द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल 1934 में भाग लिया था। एंड दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल कहते किसे हैं? यह राष्ट्रमंडल खेल जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल उत्सव है, और प्रत्येक 4 वर्ष में ऐसे देश जो कभी ब्रिटिश के उपनिवेश रहे हों, यानी कि केवल वही देश वही खिलाड़ी भाग ले सकते हैं जो किसी राष्ट्रमंडलीय देश के निवासी हो, यानी कि जो ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश अधीन रहे हों पहले। एंड दोस्तों, जो 2022 में 22वां राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम संपन्न हुआ है, वो कहाँ हुआ है? तो यह बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है, और इंग्लैंड में यह तीसरी बार संपन्न हुआ है। एंड दोस्तों, सबसे ज्यादा बार आयोजन हुआ है अभी तक में ऑस्ट्रेलिया में। एंड तो यह खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त तक संपन्न हुआ है, एंड इसका उद्घाटन एलेक्जेंडर स्टेडियम में हुआ है। एंड दोस्तों, जो 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा यानी कॉमनवेल्थ गेम होगा, वह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है। एंड दोस्तों, 22वें राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में 72 टीमों ने भाग लिया, और कुल 280 इवेंट इसमें संपन्न हुए, एंड 20 कुल खेल हुए, एंड टोटल एथलीट 5054 इसमें शामिल हुए। एंड सबसे ज्यादा किस देश के एथलीट शामिल हुए? तो इंग्लैंड के सबसे ज्यादा एथलीट शामिल हुए, 438। एंड दोस्तों, भारत के सदस्य दल भाग लिए इसमें 320। यहाँ पे दोस्तों, सदस्य दल का मतलब है खिलाड़ी प्लस अधिकारी, तो इसमें कुल भारत के 213 खिलाड़ियों ने भाग लिया, यानी कि 107 पुरुष एंड 106 महिलाओं ने। पहले इसमें 215 खिलाड़ी थे, बट क्या हुआ कि नीरज चोपड़ा घायल होने के कारण व ऐश्वर्या को कोविड पॉजिटिव होने के कारण ये दोनों शामिल नहीं हुए। एंड दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर जो है यानी मस्कट जो है परी द बूल। क्या है? परी द बूल। एंड दोस्तों, 2018 जो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था, उसका शुभंकर था बोरोबी, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड बात करेंगे आदर्श वाक यानी मोटो की। तो दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड की आदर्श वाक यानी मोटो है गेम्स फॉर एवरीवन। एंड 2018 गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया का जो 21वां राष्ट्रमंडल था, उसका था आदर्श वाक शेयर द ड्रीम। एंड दोस्तों, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रथम बार किस प्रतियोगिता को शामिल किया गया है इसमें? तो इसमें महिला T20 क्रिकेट को शामिल किया गया है पहली बार। एंड दोस्तों, पुरुष T20 क्रिकेट को 1998 में शामिल किया गया था। एंड दोस्तों, भारत में आयोजन कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल? ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐड किया गया है। तो भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था दोस्तों? तो 19वें राष्ट्रमंडल खेल 2010 जो नई दिल्ली में भारत में संपन्न हुआ था, ये आप ध्यान में रखिएगा। एंड भारत अब तक का सबसे ज्यादा पदक इसी में जीता था, 2010 में 101 पदक, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एंड दोस्तों, भारत प्रतिभाग कर रहा है इस बार 18वीं बार, ठीक है। एंड दोस्तों, इसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे? तो ओपनिंग सेरेमनी में थे पीवी सिंधु जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, एंड मनप्रीत सिंह जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हैं। एंड समापन समारोह में यानी कि क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थे शरत कमल, ठीक है, शरत कमल जो टेनिस खिलाड़ी हैं, एंड निकहत जरीन जो मुक्केबाजी मुक्केबाज हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, अब हम बात करेंगे मेडल की।
तो इसमें सबसे शीर्ष स्थान प्रथम स्थान रहा ऑस्ट्रेलिया का, जिसने 67 गोल्ड एंड 57 सिल्वर एंड 54 ब्रांज मेडल यानी कि टोटल 178 मेडल प्राप्त किया। एंड दूसरा स्थान इंग्लैंड का, तीसरा कनाडा का, चौथा भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान कौन सा है, चौथा है, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो भारत ने कुल 61 पदक प्राप्त किए, जिसमें से 22 गोल्ड 16 सिल्वर एंड 23 ब्रांज मेडल के साथ टोटल 61 मेडल प्राप्त किया है 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने। ठीक है, एंड दोस्तों इस प्रकार भारत ने 61 मेडल प्राप्त किया है, 22 गोल्ड 16 सिल्वर और 23 ब्रांज मेडल। एंड दोस्तों जो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में 66 पदक प्राप्त किया था, जिसमें से 26 गोल्ड 20 सिल्वर और 20 ब्रांज मेडल प्राप्त किया था। एंड दोस्तों 2014 जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न हुआ था, उसमें 69 पदक प्राप्त किया था भारत ने। एंड दोस्तों सबसे ज्यादा पदक 2010 दिल्ली में जो संपन्न हुआ था, उसमें भारत ने 101 पदक प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा पदक किस सन में प्राप्त किया था, किस कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने, तो 2010 दिल्ली में, नई दिल्ली में संपन्न हुआ था भारत में ही, 101 पदक प्राप्त किया था। तो इस बार कितना पदक प्राप्त किया है, 61 पदक, ठीक, 22 गोल्ड 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज। एंड दोस्तों सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस प्रदेश से भाग लिए थे, तो हरियाणा के 38 खिलाड़ी सबसे ज्यादा भाग लिए थे, और सबसे ज्यादा पदक भी हरियाणा से ही 24 मेडल प्राप्त हुआ है। एंड दोस्तों 2022 में सबसे ज्यादा पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं, तो सबसे ज्यादा पदक जीते हैं अचंता शरण कमल ने। इन्होंने 4 मेडल 3 गोल्ड प्लस 1 सिल्वर पदक प्राप्त किया है, ठीक है, 1 सिल्वर पदक प्राप्त किया है। एंड दोस्तों भारत के लिए प्रथम पदक किसने जीता 2022 में, तो इसको जीता है संकेत सरगर ने, जिन्होंने पुरुष की 55 केजी प्रतिस्पर्धा में रजत पदक जीता है। एंड ये सांगली महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 2022 में पदक जीतने वाले भारत के पहले एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। एंड दोस्तों 2022 में कांस्य जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं गुरुराज पुजारी, एथलीट हैं। एंड दोस्तों 2022 में प्रथम गोल्ड जीतने वाले हैं मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर, भारोत्तोलन में 49 केजी भार वर्ग में 201 केजी भार उठाकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कितना भार वर्ग है और किस खेल से संबंधित है। एंड दोस्तों पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन में भारत का प्रथम गोल्ड प्राप्त की है, और दोस्तों अभी तक में अपने करियर का इन्होंने पहला गोल्ड प्राप्त किया है महिला सिंगल्स बैडमिंटन में, कनाडा के मिशेल को हराकर, ठीक है। एंड दोस्तों 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन है, तो अनाहत सिंह है, जो 14 वर्ष की दिल्ली की रहने वाली 9th क्लास में पढ़ रही हैं। एंड दोस्तों 2022 में भारत सबसे ज्यादा पदक किस खेल में जीता है राष्ट्रमंडल खेल में, तो कुश्ती में जीता है 12 पदक, ठीक है, 12 पदक जीता है, जिसमें से 6 गोल्ड 5 सिल्वर एंड जिसमें से 6 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रांज मेडल जीता है, ठीक है। एंड दोस्तों जैसा कि विभिन्न खेलों का लिस्ट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि रेसलिंग में सबसे ज्यादा यानी कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीता है कितना, 6 गोल्ड 1 सिल्वर 5 ब्रांज यानी कुल 12 पदक। उसके बाद वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रांज कुल 10 पदक, ठीक। एथलेटिक में 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रांज कुल 8 पदक। बॉक्सिंग में 3 गोल्ड 1 ब्रॉन्ज 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज कुल 7 पदक। बैडमिंटन में 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज कुल 6 पदक। एंड टेबल टेनिस में 3 गोल्ड 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल कुल 5 पदक, ठीक। जूडो में 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज यानी कुल 3 पदक। एंड लॉन बाउल्स में 1 गोल्ड 1 सिल्वर यानी कुल 2 पदक। स्क्वेश में
एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज कुल दो पदक। हॉकी में एक सिल्वर एक ब्रॉन्ज कुल दो पदक। पैरा टेबल टेनिस में एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज कुल दो पदक। पैरा पावर लिफ्टिंग में एक गोल्ड, ठीक है, क्रिकेट में एक गोल्ड, ठीक। इस प्रकार कुल 61 पदक भारत ने जीता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों रेसलिंग की। रेसलिंग में कौन कौन खिलाड़ी ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड एक सिल्वर 5 ब्रांज मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड जीतने वाले हैं रेसलिंग में बजरंग पुनिया, ठीक है, जो पुरुष वर्ग में जीते हैं 65 kg फ्री स्टाइल में, एंड साक्षी मलिक वुमेन्स में 62 kg फ्री स्टाइल, एंड दीपक पुनिया मेंस में 86 kg फ्री स्टाइल, रवि कुमार दहिया मेंस में 57 kg फ्री स्टाइल, विनेश फोगाट मेंस में 53 kg फ्री स्टाइल, एंड नवीन मेंस में 74 kg फ्री स्टाइल। एंड सिल्वर मेडल जीते हैं रेसलिंग में अंशु मलिक ने, अंशु मलिक, ठीक है, वुमेन्स यानी फीमेल में 57 kg भार वर्ग में। एंड ब्रांज मेडल 5 खिलाड़ी ने जीता है रेसलिंग यानी कुश्ती में, दिव्या काकरान वुमेन्स में 68 kg फ्री स्टाइल, मोहित ग्रेवाल मेंस में 125 kg, एंड पूजा गहलोत वुमेन्स में 50 kg फ्री स्टाइल, पूजा सिहाग वुमेन्स में 76 kg फ्री स्टाइल, दीपक नोहरा मेंस में 97 kg फ्री स्टाइल, ठीक है। इस प्रकार इसमें 12 पदक रेसलिंग में जीता। एंड अब बात करते हैं वेट लिफ्टिंग यानी भारोत्तोलन में। भारत ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड जीते हैं वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, जो 2022 में प्रथम गोल्ड मेडल दिलाई है भारत को राष्ट्रमंडल खेल में। ये वुमेन्स कैटेगरी 49 kg भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है। एंड जेरे मिलाल निरुंगा, इन्होंने मेंस कैटेगरी में 67 kg भार वर्ग में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। और तीसरा है अचिता सेवली, जो मेंस कैटेगरी में 73 kg में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीता है। एंड वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल किसने जीता है, 3 सिल्वर मेडल प्राप्त किए हैं संकेत सरगर, ठीक है, संकेत सरगर जो मेंस में 55 kg भार वर्ग में जीते हैं, एंड बिंदिया बिंदिया रानी देवी जो फीमेल्स में 55 kg भार वर्ग में जीती हैं, एंड विकास ठाकुर जो मेल्स में 96 kg भार वर्ग में जीती हैं। एंड दोस्तों 4 ब्रांज मेडल वेट लिफ्टिंग में भारत ने जीता है, जिसमें से है गुरुराज पुजारी जो मेंस में 61 kg भार वर्ग में जीते हैं, एंड हरजिंदर कौर फीमेल्स में 71 kg भार वर्ग में, लवप्रीत सिंह मेल्स में 109 kg भार वर्ग में, एंड गुरप्रीत सिंह मेल्स में 109+ kg भार वर्ग में। इस प्रकार वेट लिफ्टिंग में कुल 10 पदक भारत ने जीता है, 3 गोल्ड 3 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। एंड दोस्तों अब बात करते हैं एथलेटिक की। एथलेटिक में भारत ने 8 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 1 गोल्ड 4 सिल्वर 3 ब्रांज मेडल। एक गोल्ड जीता है एथोल्स पॉल ने मेल्स कैटेगरी में ट्रिपल जंप में, एंड 4 सिल्वर पदक है। पहला है मुरली श्री शंकर जो मेल्स में लॉन्ग जंप में प्राप्त किया है, एंड दूसरा है सिल्वर पदक प्रियंका गोस्वामी जो 10,000 मीटर रेस वॉक में सिल्वर पदक जीते हैं यानी रजत पदक, एंड तीसरा है अविनाश सावले जो मेल्स में 3,000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक यानी सिल्वर पदक जीते हैं, एंड चौथा है अब्दुल्ला अबूबकर जो मेल्स कैटेगरी में ट्रिपल जंप में सिल्वर पदक जीता है। एंड ब्रॉन्ज मेडल एथलेटिक में 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। पहला है तेजस्विन शंकर जो मेल्स में हाई जंप में प्राप्त किए हैं, एंड दूसरा है संदीप कुमार जो मेल्स में 10,000 मीटर रेस वॉक में प्राप्त किए हैं, एंड तीसरा है अन्नू रानी जो फीमेल्स में जेवलिन थ्रो में प्राप्त की है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में भारत ने 7 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड 1 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड प्राप्त किए हैं बॉक्सिंग में भारत ने। पहला है नीतू पंगास
जो फीमेल्स कैटेगरी में 48 केजी मिनिमम वेट में गोल्ड जीता है। दूसरा है अमित पंघाल जो मेल्स कैटेगरी में 51 केजी फ्लाई वेट में गोल्ड जीते हैं। एंड तीसरा है निकहत जरीन जो फीमेल्स में 50 केजी लाइट फ्लाई वेट में गोल्ड जीते हैं। एंड बॉक्सिंग में एक सिल्वर पदक प्राप्त हुआ है जिसे जो है सागर अहलावत जो मेल्स कैटेगरी में 92+ केजी में सुपर हैवी वेट में रजत पदक प्राप्त किया है। एंड 3 ब्रांज मेडल बॉक्सिंग में प्राप्त किए हैं जैस्मिन लंबोरिया जो फीमेल्स में 60 केजी लाइट वेट में जीते हैं। एंड दूसरा है मोहम्मद हुसामुद्दीन जो मेल्स कैटेगरी में 557 केजी वेट में जीते हैं। एंड तीसरा है रोहित टोकस जो मेल्स में 67 केजी वेल्टर वेट में जीते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बैडमिंटन में भारत ने कुल 6 पदक प्राप्त किया है जिसमें से इन्होंने 3 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रांज मेडल प्राप्त किए हैं। 3 गोल्ड है भारत की तरफ से बैडमिंटन में। पहला है पीवी सिंधु जो वुमेन्स सिंगल्स में गोल्ड मेडल प्राप्त की है। एंड दूसरा है लक्ष्य सेन जो मेन्स सिंगल्स में प्राप्त किया है। एंड तीसरा है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी एंड विराग सेट्टी जो मेन्स डबल्स में प्राप्त किया है गोल्ड। एंड ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल में भारतीय मिक्स टीम ने प्राप्त किया है। एंड 2 ब्रांज मेडल प्राप्त किया है भारत ने, इसमें है किदांबी श्रीकांत जो मेन्स सिंगल्स में प्राप्त किया है। एंड दूसरा है त्रिशा जाली एंड पुलेला गायत्री गोपीचंद जो वुमेन्स डबल्स में प्राप्त किया है। एंड दोस्तों अब हम बात करते हैं टेबल टेनिस में, जिसमें से भारत ने 5 पदक प्राप्त किए हैं जिसमें 3 गोल्ड 1 सिल्वर 1 ब्रांज। कुल 5 पदक टेबल टेनिस में प्राप्त किया है जिसमें से 3 गोल्ड है भारतीय पुरुष टीम यानी मेन्स इवेंट है। एंड दूसरा शरत कमल और श्रीजा अकुला जो मिक्स डबल्स में गोल्ड जीते हैं। तीसरा है शरत कमल मेन्स सिंगल्स में गोल्ड जीता है। ठीक है, तो शरत कमल 2022 कॉमनवेल्थ में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली है। एंड सिल्वर मेडल में भी शरत कमल जी साईनाथ की जोड़ी ने मेंस डबल्स में सिल्वर पदक जीता है। एंड ब्रांज मेडल में 1 ब्रांज मेडल टेबल टेनिस में सथियान गरना शेखरन ने मेंस सिंगल्स में जीता है। अब बात करते हैं जूडो की। जूडो में भारत ने 3 पदक प्राप्त किया है जिसमें से 2 सिल्वर एंड 1 ब्रांज मेडल प्राप्त किया है। 2 सिल्वर मेडल जूडो में प्राप्त किया है सुशीला देवी वुमेन्स 48 केजी वर्ग में एंड विकास कुमार ठाकुर जो है मेन्स 96 केजी वर्ग में। एंड 1 ब्रांज मेडल जूडो में जीता है सथियान गरना शेखरन जो मेन्स सिंगल्स में जीता है। अब बात करते हैं लॉन बाउल्स में। लॉन बाउल्स में भारत ने 2 पदक जीते हैं जिसमें से 1 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल 1 गोल्ड भारतीय महिला टीम ने वुमेन्स 4 में जीता है एंड 1 सिल्वर भारतीय पुरुष टीम ने मेंस 4 में जीता है। अब बात करते हैं स्क्वैश की। स्क्वैश में भारत ने 2 पदक जीता है यानी कि 2 ब्रांज मेडल जिसमें से 2 ब्रांज मेडल में है दीपिका पल्लीकल सौरव घोषाल मिक्स डबल्स में एंड सौरव घोषाल मेंस सिंगल्स में। एंड दोस्तों हॉकी में भारत ने 2 पदक जीता है 1 सिल्वर एंड 1 ब्रांज जिसमें से 1 सिल्वर पदक प्राप्त किया है रजत पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम मेंस हॉकी ने एंड 1 ब्रांज मेडल महिला हॉकी टीम यानी वुमेन्स टीम ने प्राप्त किया है। अब बात करते हैं पैरा टेबल टेनिस की। पैरा टेबल टेनिस में भारत ने 2 पदक प्राप्त किया है 1 गोल्ड और 1 ब्रांज मेडल 1 गोल्ड भाविना पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में प्राप्त किया है वुमेन्स सिंगल्स क्लासेस 3 से 5 में एंड 1 ब्रांज मेडल पैरा टेबल टेनिस में प्राप्त किया है सुनत वीन पटेल ने। ठीक है, एंड दोस्तों अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग में। पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड प्राप्त किया है 1 गोल्ड प्राप्त किए हैं सुधीर ने मेन्स हैवी वेट में। एंड दोस्तों क्रिकेट में भारत ने रजत पदक प्राप्त किया है भारतीय महिला टीम वुमेन्स T20 में। ठीक है, एंड दोस्तों कॉमनवेल्थ 2022 में 2 नए सदस्य और बने हैं जिससे इस
संगठन के सदस्य देशों की संख्या 56 हो गई है। दो नए सदस्य कौन बने हैं? टोंगो और गैबान, दोनों ही अफ्रीकी देश हैं। टोगो और गैबान दोनों ही अफ्रीकी देश हैं। और जो दो नए सदस्य जुड़े हैं, जिसे इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितने हैं? 56 हो गई है। कितनी हो गई है? 56 हो गई है। पहले 54 थी, अब 56 हो गई है। तो राष्ट्रमंडल देशों की संख्या कितनी हुई है दोस्तों? 56। ठीक है, यानी कि कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल संघ की जो स्थापना था 1931 में हुआ, इसके महासचिव हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड के। एंड दोस्तों, इसका सदस्य जो है भारत कब बना? तो 1947 में कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल संघ का सदस्य भारत बना, 1947 में। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका राष्ट्रमंडल खेल से रिलेटेड सभी टॉपिक। आई होप कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह के टॉपिक को हमेशा पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।